तो भाई एक बड़ा ही सिंपल सा मैसेज दे रहा हूँ, किसी को भी यूट्यूबिंग स्टार्ट करनी है ना, तो कोई गैजेट्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको अपना फोन चाहिए। क्वारंटाइन चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है तो क्या करें घर पे बैठे बैठे। तो घर पे बैठे बैठे ना मैं आजकल अपने पुराने वीडियो स्क्रॉल कर रहा हूँ कि पहले मैं कैसे व्लॉग किया करता था, तो थोड़ा सा फनी भी हो गया है। और आज बाई चांस की बात है कि मतलब मैंने ये वाली टी शर्ट पहनी हुई है, और चांस की बात है मतलब जो मैं वीडियो देख रहा था उसमें मैंने यही वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। तो मतलब ऑलमोस्ट मैं ये टी शर्ट 2 साल से पहन रहा हूँ, ऑल्दो मैं अब ये घर में पहनता हूँ, बाहर कम पहनता हूँ क्योंकि थोड़ी सी फेड वेड हो गई है, बट मतलब यू नो थोड़ा केयर करके रखता हूँ मैं चीज़ों की। तो वीडियो देखो पहले तो थोड़ा सा। Morning guys, this is Andy and welcome to the Wake Stream. तो मेरा पहला व्लॉग मैंने जो बनाया वो थोड़ा सा बोरिंग था। बोरिंग इसलिए था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या करना है। आई वॉज सो कॉन्शियस इतने टाइम बाद मैंने व्लॉग बनाया, मैं इतना कॉन्शियस था कि मुझे आई वॉज लाइक कैमरा देख के ऐसे ऐसे हो रहा था मैं। Anyways, आज दूसरा व्लॉग बनाते हैं एंड दिस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही सरप्राइजिंग चीज दिखाने वाला हूँ। और कान अपने थोड़े संभाल के रखना, स्पीकर्स अपने थोड़े वॉल्यूम लो करके रखना। एनीवेज टाइम हो गया है, इट्स 8:52 और मैं आज ऑफिस बाइक लेके जा रहा हूँ। तो ये लग रहा हूँ ना बिल्कुल डिफरेंट। तो उस टाइम क्या मेरे थोड़े बाल लंबे हुआ करते थे, मैं यहाँ पे टॉप नॉट बनाता था, मतलब पोनी बनाता था और थोड़ा सा डिफरेंट लगता था। तो बाल भी मैं उस टाइम कलर करके नहीं रखता था, तो मैं कलर वलर करके थोड़ा सा केयर करने लग गया हूँ, थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस हो गया हूँ। और लोग ना मतलब थोड़ा सा बोलने लग गए थे बुड्ढा बुड्ढा लगता है, तो कोई बात नहीं, वैसे तो अपनी एज है ही, उसमें कोई बुराई नहीं है। आई एम 42, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए। तो थैंक यू टर्बो फैमिली कंप्लीट सपोर्ट करने के लिए, शी द सुपर बाइकर चैनल को आपने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया एंड मज़ा आ गया। मतलब कहीं ना मुझे फील होता है कि अगर मैंने आपसे कुछ बोला तो मतलब रिवर्ट में या रिटर्न में आपने मुझे वो रिटर्न दे दिया, वो प्यार दे दिया, तो बहुत अच्छा लगता है। उनका वीडियो आ गया अभी 9 बजे, मतलब अपने अपना वीडियो आता है 7:30 बजे, उनका वीडियो आ गया 9 बजे एंड वीडियो जाके ज़रूर देखना, बड़ा ही एपिक वीडियो बनाया उन्होंने एंड बहुत ही मस्ती भरा वीडियो है। उनके चैनल की डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दोनों में मिल जाएंगे, आप लिंक को क्लिक करें एंड डायरेक्टली चले जाओ चैनल पे। पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल। सो गाइज ये खड़ी है मेरी बाइक और एज यू कैन सी कवर्ड खड़ी है, सो दैट्स KTM एंड दिस इज़ बूसा। तो इसको अनकवर कर रहा हूँ अभी मैं और अनकवर करके ऑफिस चलते हैं। तो ये हो रही है गंदी और अच्छी खासी गंदी। तो ऑफिस तो मुझे आज इसी पे जाना था, बट स्टिल आज मैं कार लेके जाना पड़ेगा। मैं पूरा तैयार हूँ, मेरा हेलमेट यहाँ रखा है, बाइक यहाँ पे रेडी है, बट मैं आज ऑफिस पे नहीं जा सकता क्योंकि ये प्रॉब्लम है। मेरे को ये थ्रेड्स दिख रहे हैं टायर पे, दैट मीन्स द टायर इज गॉन। तो हम बाइक लेके नहीं चल रहे हैं और कार पे चलते हैं। तो इस वीडियो में अपनी बाइक भी कम्प्लीटली अलग कलर की है, मतलब जो पहले कलर था ब्लैक एंड ग्रीन उस कलर की है। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैं हायाबुसा पे व्लॉग्स क्यों नहीं डालता। तो हायाबुसा पे व्लॉग्स इसलिए नहीं डालता क्योंकि जिन लोगों को ये लगता है कि मेरे पास हायाबुसा है तो मैं सिर्फ हायाबुसा के ही व्लॉग्स डालता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा जो टर्बो एक्सट्रीम चैनल बनाया गया था उस चैनल पे क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि मैं क्या क्या डालने वाला हूँ। तो क्या क्या डालने वाला हूँ वॉज कार, बाइक्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट। तो रिसेंटली मैंने कार की वीडियोस क्यों डालना चालू की, मेरे को लगा कि मैं जहाँ पे जिस सराउंडिंग में रहता हूँ वो सराउंडिंग आपको दिखानी चाहिए, क्योंकि मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो व्लॉग्स डालने का ये सबसे ईजी तरीका था मेरे पास कि मैं मेरे जो आसपास में चीज़ें हैं वही आपको दिखाऊँ। तो मेरे आसपास में सारा टाइम कार्स होती हैं क्योंकि मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, डेली मैं अपने वर्क शेड्यूल पे जाता हूँ, तो वहाँ पे कार्स ही होती हैं। तो आपको कार्स और ज़्यादा देखनी हो और जो मेरा वर्क एनवायरमेंट है वो देखना हो तो आप मेरे को फॉलो करो जो मेरे दूसरे चैनल्स हैं उन पे, वहाँ पे ऑल्दो
मैं नहीं होता हूँ फ्रंट फेसिंग, वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट होता है, बट यू कैन सी कि मेरी सराउंडिंग्स कैसी हैं। तो मेरी सराउंडिंग्स देखने के लिए दो जगह फॉलो कर लो, वो दो जगह है एक ऑटोमार्क और एक ऑटोबेस्ट। दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और दोनों के लिंक मैं स्क्रीन पे भी आपको दिख रहे होंगे। तो दिल्ली ट्रैफिक रियली फुदू होता है यार, लिटरली। मैं निकला था 9 बज के और करीब करीब शायद 20 से 30 मिनट के बीच में, और अभी हो रहे हैं 11 बज के 16 मिनट। मैं अभी भी ओखला नहीं पहुंचा हूं एंड दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मुझे पहुंचना था ऑलमोस्ट मैक्सिमम शायद 10:30 बजे तक। मैं लेट भी निकला था, लेट बाइक के चक्कर में हो गया था, बट इट्स वेरी वेरी इरिटेटिंग। तो बस पहुंचने वाला हूं मैं मुश्किल से 5 मिनट में अपने वर्कशॉप पे, तो चलते हैं वहीं पे। फाइनली मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ, गाड़ी पार्क कर ली है मैंने एंड इट्स 11:23। तो चलते हैं अंदर और थोड़ा सा काम कर लेते हैं। लुक एट दिस वन। BMW है ना, उसका आइडिया आया था एग्जैक्टली यहीं से ही, मतलब स्टार्टिंग यहाँ थी। तो ये करीब करीब कार मैंने देखी थी 1.5 साल पहले M3, और वहीं से ये था कि मतलब ऐसी एक कार तो होनी चाहिए बिकॉज उसके लुक्स बड़े ही ऑसम लगते हैं मुझे। तो उस टाइम पे थी, पर अपने पास E63 जो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। तो E63 मतलब बनाई हुई थी, ई क्लास थी वो, जिसको E63 का कंप्लीट किट लगा के तैयार किया हुआ था। तो अभी जो अपन ने BMW ली है वो एग्जैक्टली यहीं से इंस्पिरेशन आई थी। इवन कलर भी मैं यही सेम करा रहा था, बट बाद में लगा कि चलो यार थोड़ा सा पैपी कलर कराते हैं, थोड़ा डिफरेंट कराते हैं, हटके कराते हैं, इसलिए उसको अपन ने येलो करा दिया। तो ये अभी स्टॉक नोट। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, सुनो इसको अच्छे से। M3 की जो आवाज है ना, वो स्टॉक एग्जॉस्ट में इतनी खतरनाक आती है, मतलब इमेजिन करो कि अभी जब एग्जॉस्ट लग जाएगा तो कैसी आवाज आएगी। मतलब बिलीव मी, इतनी जबरदस्त आवाज आ रही है ना इसकी, इतनी जबरदस्त, स्टॉक में इतनी खतरनाक थी। तो एग्जॉस्ट लगने के बाद तो बस अब देखो एग्जॉस्ट लगने का प्रोसेस कैसा है। सो ये है इसका एग्जॉस्ट जो भी हम लगाने वाले हैं, ये है IPE। ये इसके टिप्स हैं और ये क्वाड टिप लगने वाले हैं, मतलब दो टिप राइट में, दो टिप लेफ्ट में, तो ड्यूल ड्यूल करके ये क्वाड टिप हो जाएगा। करते ऐसा ही होता है, इधर उधर से फोन आ जाते हैं और अपन चले जाते हैं काम करने। व्लॉगिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी उस टाइम पे, मतलब मैं इतना सीरियसली कभी भी नहीं लेता था व्लॉगिंग को। ऐसे ही शुरू हो गया Day 2, एग्जॉस्ट कंप्लीटली कार का लग चुका है एंड चलते हैं वर्कशॉप के अंदर। थोड़ा सा नजारा देख लो, उस टाइम पे शक्ल सूरत बिल्कुल डिफरेंट लगती थी मेरी, एंड वैसे मैं चेंज करता रहता हूँ अपने आप को टाइम टू टाइम। मॉर्निंग गाइस, सो दिस इज Day 2 एंड कल गाड़ी का काम खत्म नहीं हो पाया। मैं आ गया हूँ ऑफिस में और गाड़ी तैयार है बिल्कुल। तो गाड़ी दिखाता हूँ एक्चुअली और साउंड सुनाता हूँ। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज साउंड, लुक एट दिस ब्यूटी। तो भाई ये है BMW M3, समझ में आ ही गया होगा थोड़ा बहुत। तो ये भी कोल्ड स्टार्ट है, कोल्ड स्टार्ट में थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा आती है। वॉल्व खुले हुए हैं अभी, मैं हल्का सा रेव दे रहा हूँ अभी। तो दोस्तों अंदर से तो आवाज सुन ली
आता हूँ वो सुनो। कि व्लॉगिंग करने के लिए आपको बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं या मतलब कैमरा जरूरी होता है, ये जरूरी होता है, वो जरूरी होता है, तो इस वाले वीडियो में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूं, मैं अपना मोबाइल यूज कर रहा हूं। इवन उस मोबाइल में स्टेबलाइजेशन भी नहीं था वीडियो का उस टाइम पे, बट स्टिल उस टाइम पे भी अपन व्लॉग करते थे एंड उतना ही प्यार मिलता था टर्बो फैमिली का, मतलब कोई कमी नहीं। तो भाई एक बड़ा ही सिंपल सा मैसेज दे रहा हूं, किसी को भी यूट्यूबिंग स्टार्ट करनी है ना तो कोई गैजेट्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको अपना फोन चाहिए और आपके पास कंटेंट होना चाहिए। आप अगर अच्छा बोल सकते हो, लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, तो उससे इजी कुछ भी नहीं है। सीरियसली बता रहा हूँ, उससे इजी कुछ भी नहीं है। सिर्फ मोबाइल लो, वीडियो बनाओ। एडिटिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं मोबाइल के ऊपर ही, तो बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर। आप काइन मास्टर को डाउनलोड कर ले मोबाइल पे और उससे बहुत इजीली एडिटिंग कर सकते हो। एडिटिंग के कुछ टिप्स भी चाहिए हो तो वो भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं जिन पे आप इजीली सीख सकते हो। तो गाइज व्लॉगिंग करना कोई मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और थोड़ी सी मेहनत करो तो। तो होपफुली अगर पसंद आ गया हो वीडियो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।